उत्तर प्रदेश के कानपुर में 11,000 विद्युत लाइन की चपेट में आने से नमाज पढ़ने गए मासूम गंभीर रूप से झुलस गया। मौलवी व स्थानीय लोगों ने आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से मासूम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मासूम की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। बिजली विभाग की लापरवाह कार्यशैली से हो रही लगातार घटनाओं से लोग आक्रोशित नजर आए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग की ये पांचवी घटना, जिसके बाद भी शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग के जिम्मेदार मामले में कर रहे खानापूर्ति। बिजली विभाग की लापरवाह कार्यशैली से मौत के काल में समा रहे हैं लोग। बिजली विभाग की जिम्मेदार अधिकारी बने अनजान रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के चीतीपुर नेहरू नगर वार्ड का पूरा मामला। ये घटी है सर कि 11,000 लाइन हमारे गांव में है, तो उसी 11,000 लाइन ये मस्जिद के सटीक से निकली हुई है, तो बच्चे नमाज पढ़ने आए थे। नमाज पढ़ने के दौरान सर ये करंट ने तुरंत उसको बच्चे को खींच लिया, जिसके कारण उसके पैर प्लस हाथ और एक हाथ में भी टूट गया है सर। क्या नाम था, कितने वर्ष का? अरमान नाम था सर। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था सर। क्या स्थिति है? स्थिति सर ये है, स्थिति तो अभी नाजुक है। क्या लगता है किसकी लापरवाही से घटनाएं आए दिन बिजली विभाग को हो रही हैं, किसका इसमें लापरवाही है? लापरवाही तो सर इसकी ऐसी है कि लापरवाही तो देखी जाए बिजली विभाग की है। दूसरी चीज ये कि हमारे जो माननीय श्री योगी जी महाराज जी है उनकी है कि गांव-गांव जाकर कम से कम इस चीज़ को देखें कि 11,000 लाइन जो है इसको हटवाएं, क्योंकि ये 11,000 लाइन जो है हमारे गाँव में नहीं चल सकती, क्योंकि बच्चे हैं। कई घटनाएं हो गई, ये कम से कम पांचवी घटना है सर। एक बच्चे का तो हाथ भी कट गया सर। कभी शिकायत नहीं की आपने विद्युत विभाग? शिकायत सर बहुत की, मैंने बहुत लोगों से अपील की सर, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई सर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।